ये क्या कर रहे हो? इतना गंद डाला हुआ दिख नहीं रहा है? खाना खाने का टाइम याद रहता है, काम करने का नहीं रहता। उठो करो। ये क्या कर रहे हो तुम? एक काम करने जाते हो दस बिगाड़ते हो, किसी काम के नहीं हो तुम। फिर खेल रहे हैं, आप ही की वजह से ही मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या इनको सिर्फ जिंदगी भर खिलाना है, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी? टाइम देखा है घड़ी में? सारा दिन तुमने रोटियां तोड़नी है, कोई काम भी कर लो। इनका कुछ करो। क्या हुआ? क्या? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सारा दिन इन्होंने सिर्फ रोटियां तोड़नी है, ऊपर से मेरे बेटे को भी बिगाड़ दिया है। ये बात बिल्कुल फाइनल है, या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं। मेरे बच्चों प्लीज लड़ो मत, मेरी वजह से मत लड़ो। आप जहां बोलोगे मैं वहीं चला जाऊंगा, लड़ाई मत करो प्लीज। कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे, कुछ नहीं हुआ। इस उम्र में कहां जाएंगे वो? मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ओल्ड एज होम होते हैं ना, वहां छोड़कर आओ। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है, मेरा डिसीजन ये फाइनल है। हाँ बोलो। हमारे बेटे को कुछ हो गया है, उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, आजकल कुछ खा भी नहीं रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया उसको। होना क्या है, जब उसके दादाजी घर में थे तब वो हंसता था, खेलता था, उनसे रोटी भी खाता था, तब भी तुम परेशान थी। अब वो नहीं है, वो नहीं खा रहा है, तब भी तुम परेशान हो। मेरी तो तुम समझ से बाहर हो चुकी हो। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए डॉक्टर साहब। ना ये कुछ खा रहा है, ना ये कुछ पी रहा है, और इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। चेक करिए डॉक्टर साहब प्लीज। रुकिए मैं चेक करता हूँ। देखिए आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे कोई बीमारी नहीं है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। आप उसके माँ बाप है, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। सुनो, जब से पापा जी गए हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं तो हमेशा उनको बहुत समझती रही, मगर वो तो हमारे घर की रौनक थे। सियान की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, आपका बिजनेस भी कितना डाउन हो गया है। आप किसी भी हाल में आप उनको वापस लेकर आओ। शुक्र है भगवान का, तुम्हारी आंखें तो खुली। पापा, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। जिंदे वसदे रहो बेटा, मेरी तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसा ना करे। रब राखा।